हेलो गुड मॉर्निंग आर्य, स्वागत है आपका BR46 ब्लॉग्स में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिव्यांशु और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BR46 ब्लॉग्स में। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यामा R15 V3 का जो है एक्सीलेटर केबल आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक्सीलेटर केबल चेंज करने की ज़रूरत दो कारण से आती है, एक या तो आपका वायर टाइट हो गया हो या दूसरी या तो आपकी वायर टूट गई हो। तो फर्स्ट कंडीशन में ऐसा होता है कि जब आप एक्सीलेटर दे रहे हो तो वो एक ही पोजीशन पे रुक जाता है, वहाँ से रिटर्न वापस नहीं आता। और सेकंड पोजीशन में क्या होता है, अगर आपका वायर टूट गया हो तो आप कितना भी एक्सीलेट क्यों ना करें गाड़ी रेव होगी नहीं, और गाड़ी जब रेव होगी नहीं तो आप गाड़ी चला नहीं पाओगे। और एक्सीलेटर केबल इसका आप जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें इस गाड़ी पे, क्योंकि ये नॉर्मल बाइक की तरह आसान नहीं होता। इसमें एक्सीलेटर केबल चेंज करना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। अगर आप किसी विलेज में रहते हैं या कोई बड़े टाउन में नहीं रहते हैं तो आपको पार्ट्स लेने में भी दिक्कत होगा। जैसे कि हम लोग को हुआ, पार्ट्स का ऑर्डर लगाना पड़ा, उसके बाद 5 से 6 दिन के बाद पार्ट्स आया और मैकेनिक कहीं मिल नहीं रहा था यहाँ पर इसका चेंज करने के लिए, तो हम खुद से ही चेंज कर रहे हैं इसको। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि कैसे आप भी अपना शेयर कर सकते हैं। दूसरा बात, इसका जो चार्ज है मैकेनिक का चार्ज, जो लेबर चार्ज है इस गाड़ी का एक्सीलेटर वायर सिर्फ चेंज करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप मिडिल क्लास बॉय हो तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ लेबर चार्ज के लिए 500, 600, 700 रुपया देना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और इसमें दो वायर लगता है, एक का प्राइस 185 रुपया होता है तो दो का 400 के आसपास है, तो वो भी कोई ख़ास महंगा नहीं है अगर एज ए स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से देखें तो। तो इसमें सबसे पहले तो टैंक उतारना पड़ेगा आपको, और फिर इसका थ्रॉटल बॉडी खोलनी, एयर फिल्टर भी निकालना पड़ेगा। और एयर फिल्टर यहाँ पे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे जो टूल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है स्पोर्ट्स बाइक्स में काम करने के हिसाब से, बट फिर भी मैं जुगाड़ लगा के किसी तरह से काम कर रहा हूँ इस गाड़ी में। तो इसका जो एयर फिल्टर है वो भी आपको निकालना पड़ेगा, जब तक आप उसे नहीं निकालोगे तब तक आप एक्सीलेटर का जो वायर है, जो केबल है, उस तक पहुंच नहीं पाओगे। तो पहले देखिए, मैं जो क्लैंप लगा हुआ है एयर फिल्टर से लेकर थ्रॉटल बॉडी में उसे लूज़ करा, उसे लूज़ करने के बाद एयर फिल्टर को बाहर ले लिया, फिर मैंने कोशिश किया कि बिना थ्रॉटल बॉडी खोले ही इसका एक्सीलेटर वायर चेंज कर दूँ, बट वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि आगे आप देख ही सकते हैं कि वायर किस कंडीशन में कभी भी टूट सकती थी। तो आप भी अपनी गाड़ी में चेक करते रहिए अगर स्पोर्ट्स बाइक है तो, और कोशिश करिए कि साल भर के बाद आप उसे चेंज कर दें ताकि कभी आप रास्ते में किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाएं। और कहीं कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां मैकेनिक मिलता ही नहीं, और मिलता है तो ऐसे गाड़ियों के लिए नहीं मिलता है, और अच्छा मैकेनिक मिल जाए तो पार्ट्स नहीं मिलता है। इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखें स्पोर्ट्स बाइक में। आप देखिए, मुझे थ्रॉटल बॉडी भी इसका खोलना पड़ रहा है, जब तक मैं इसका थ्रॉटल बॉडी नहीं खोलूँगा तब तक एक्सीलेटर केबल को फिट नहीं कर पाऊँगा। अब ये ऐसा तो मेरे साथ हो रहा है, तो कोई हमसे भी बड़े महान मैकेनिक होंगे तो वो बिना थ्रॉटल बॉडी खोले ही कर देंगे, लेकिन मुझे जैसा लगा कि थ्रॉटल बॉडी खोलने के लिए थ्रॉटल बॉडी खोलना ही पड़ेगा एक्सीलेटर केबल डालने के लिए, तो मैंने थ्रॉटल बॉडी खोल लिया, उसके बाद एक्सीलेटर केबल फिट कर लिया। और उसमें दो केबल लगता है, एक केबल होता है यामा के बहुत सारी गाड़ियों में सिस्टम है, और एक बी केबल होता है, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है ए केबल और बी केबल का। तो ए केबल और बी केबल में क्या डिफरेंस होता है वो आपको लगाने के टाइम खुद ब खुद पता चल जाएगा, जब आप खोलें तो थोड़ा सा नोटिस कर लें कि कहाँ पे कैसे कौन केबल लगा हुआ है। एक केबल में 2 बोल्ट रहेगा एक ही साइज का, वो केबल ए है, और जिसमें बड़ा बोल्ट रहेगा एक और एक छोटा बोल्ट रहेगा वो केबल बी है। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद फिर मैंने एयर फिल्टर फिटिंग करने में भी आपको परेशानी आ सकती है, बट अगर आप एक्सपीरियंस हो तो कर लोगे। अब देखिए, मैंने इस गाड़ी को कंप्लीट कर दिया है, एक्सीलेटर केबल भी लगा दिया है और क्लच केबल भी न्यू डाल दिया है। इसमें क्लच केबल डालना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इस गाड़ी में, बट एक्सीलेटर केबल डालने में काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक और इसका जो चेसी का डिज़ाइन है वो स्पोर्ट्स बाइक का ही है सेम टू सेम, तो आप इसमें कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।